ओके, तो हम लोग जो है कि देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे आपका लोअर मिडल अपर मेसो नियो आपको पता है, ठीक है, कि मेसो का स्टार्टिंग जो है कि ये शब्द का प्रयोग किसने किया था, हार्डबेस्टॉप ने किया था। तो आपको ये भी याद या ध्यान रखना है कि जो मिडल प्लेस्टोसीन है, मिडल पैलोथिक जो है, ठीक है, जो मिडल पैलोथिक है, इस टाइम का एक टेक्निक है लेवल वाई टेक्निक, ये प्रयोग में लाया जाता था स्टोन टूल को जो है कि फ्लैगिंग करने के लिए। एक टेक्निक है लेवलवा, तो लेवलवा का जो संबंध है आपका मिडल पैलेथिक संबंधित है। बाकी जैसे आपका नियोलिथिक है, तो ये आपका होलोसीन में आता है, जो कि 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड है। मेसोलिथिक भी आपका उसी में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सेल्ट, ठीक है, ग्राउंड एंड पॉलिश हैंडेक्स, मतलब इस समय जो है कि नियोलिथिक टाइम में पॉलिश जो है स्टोन टूल चलने शुरू हो गए थे। ब्लेड और ब्यूरिन जो है कि अपर पैलेथिक से संबंधित है, लोअर पैलेथिक संबंधित है आपका पेबल एंड कोर टूल, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे कि 25 लाख वर्ष पहले इथोपिया के हदार नामक स्थान पर पहला पत्थर का औजार पाया गया। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। ये जो है कि 20 लाख वर्ष पूर्व कोबीफोरा केन्या तथा तंजानिया के उल्डवाई गार जैसे स्थानों पर पहले होमोजेनस के प्रतिनिधि होमो हैबिलिस का आगमन हुआ। 1.8 + 2.6, मतलब 18 लाख से लेकर के 26 लाख के बीच में होमो हैबिलिस का आगमन होता है। कहाँ पे? कोबीफोरा केन्या प्लस उल्डवाई गार्ज, ये दो साइट के नाम है। जॉन लुब्बक ने स्टोनेज को पैलोथिक और नियोलिथिक में बांटा, वही मैंने आपको पहले बताई थी। इसके बाद जो प्लेस्टोसीन है उसकी डेटिंग 2.5 2.8, ये देख रहे हैं कई जगह मैंने काटा है। क्यों काटा है? कहीं क्योंकि कहीं मैंने 1.6 पढ़ा, कहीं 1.8 पढ़ा, कहीं क्या पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं काट के रखना पड़ता है, जब नई चीज़ें मिलती है तो फिर नए तरीके सीखना पड़ता है। ये आपका सोन कल्चर या सोहन कल्चर है, ठीक है, और इसके जो फादर है सोहन कल्चर के वो है डी एन वाडिया, ठीक है। डी एन वाडिया कौन है? फादर ऑफ सोहन कल्चर। और आपको पता है कि एक येल कैम्ब्रिज दल आया हुआ था 1935 के आसपास, जिसमें डी टी एरा एम टी टी पेटरसन थे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्होंने बेसिकली सोहन वैली के आसपास इन्होंने काम किया था, ठीक है। और यहाँ से अर्लीस्ट हैंडेक्स मिलते हैं, इसकी डेटिंग मार्च 5 लाख के आसपास जाती है सोहन कल्चर की, ठीक है। और यहाँ से जो स्टोन टूल बने हैं वो आपका फ्लैट टेक्निक पे बने हैं, ठीक है। और लोअर पैलेथिक बनाने के लिए यहाँ पर फ्लैट टेक्निक का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे? सोहन कल्चर में। आगे देखते हैं आगे, मतलब ये चॉपर चॉपिंग का वो है कि कैसे किसे चॉपर कहेंगे किसे चॉपिंग कहेंगे, ठीक है। एक मतलब लूसी नाम का एक मानव थी, एक लेडीज थी, ठीक है, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस कहते हैं, ठीक है। इसकी रेटिंग है 3.9 से लेकर के 2.9, मतलब 39 लाख से लेकर के 29 लाख के आसपास इथोपिया में इसका पूरा मतलब बॉडी मिला था लूसी का। इसे जो है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो मानव का, ये मानव माता इसे कहा जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ साइट है जिनका लोकेशन है, जैसे भगत राव साइट है, कहाँ पे? भड़ाउस गुजरात में है। बिराना कहाँ है आपका? फतेहाबाद हरियाणा में है। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में है। मोहनजोदारो लड़काना सिंध में है। हड़प्पा साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब पाकिस्तान में है। धोलावीरा रन के कच्छ में है, गुजरात में है। दिसलपुर कच्छ गुजरात में है। मीठाथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है। शुरकोटदा भोंज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा। आमरी दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध में है। बाबरकोट सौराष्ट्र गुजरात में है। बालू फतेहाबाद हरियाणा में है, ठीक है। ये आपका बरगांव है जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। बरोर है गंगानगर में है, और गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में है। बेट द्वारका देवभूमि द्वारका गुजरात में है। चरणदाड़ो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट सिंध, बेसिकली कार्निलिंग के लिए जो है फेमस है। दायमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। फरमाना रोहतक हरियाणा, इतना मतलब आपको लोकेशन तो कम से कम साइट का पता ही होना चाहिए कि कौन सी साइट पे कौन सी मतलब कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरीके से आपका गनवेरी वाला है, कहाँ पे है? बहालपुर,
बहावलपुर है, बहावलपुर है ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में है। इसके बाद जो है गोलाघारू है, कच्छ गुजरात में है, कालपी आपको पता है यूपी में है, जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, मिडल पैल्थिक साइट है, आहार राजस्थान में है, एसडी संकालिया और आर सी अग्रवाल ने यहाँ पर खुदाई किया था। चेचर कुतुबपुर कहाँ है, वैशाली बिहार में है। ज्वालापुरम कहाँ पे है, मिडल पैल्थिक साइट है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। मुंडीकाक हेलमंड बेसिन में है ठीक है, कांधार प्रोविंस में है, अफगानिस्तान में। मुंडीकाक जो है कि अफगानिस्तान के साइट है। लंगनाज मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। लंगनाज खुदाई किसने किया है, एसडी संकालिया, बिरबानपुर बेबीलाल, वेस्ट बंगाल। टेरी ग्रुप मेसोलिथिक साइट है, तमिलनाडु में है। इसके खोज जो है कि आर बी फुट ने किया था। इसके बाद क्या है आपका, मुरैना माउंटेन यूपी में है, वही मुरैना पहाड़ ठीक है। आपका पांडू राजार ढेबी वेस्ट बंगाल में है, एरन एमपी में है, आहार राजस्थान में, मास्की कर्नाटक में, एक आपका बैटमचेरिया ये आपका है आंध्र प्रदेश में, सिंहभूमि है बिहार में, मिनवन क्रीट में, कोटिया जो है कि मेगालिथिक साइट है बेलन वैली में, और ये सेटाल्युक शायद नियोलिथिक साइट है एनाटोलिया टर्की में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है। ओके।